आज जल्दी जल्दी माला कर लेती हूँ, पढ़ाई करनी है, एग्जाम है यार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। हे पू, ये क्या कर रही है तू? कल से एग्जाम है हमारा, पढ़ाई कर, ये माला वाला बाद में कर लेना। हाँ यार, तू सही बोल रही है, अभी पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बस तेरे घर के सामने से गुजर रही थी तो सोचा देख लूँ तू पढ़ रही है कि नहीं। चलो मैं भी जाती हूँ, मुझे भी पढ़ाई करना है। हाँ ठीक है, अभी माला छोड़ देती हूँ, बाद में कर लूँगी, अभी पढ़ाई करूँगी मैं। राधे राधे पूछा। अरे इतना पढ़ रही है तू, लगता है कल एग्जाम में फाड़ देगी। हाँ राधे राधे प्रिया, अच्छा हुआ तू यहाँ पे आ गई यार, मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा माला भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने आधा पर ही माला छोड़ दिया। माला नहीं क्या? पर मैंने तो माला भी कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया। क्या तूने दोनों कंप्लीट कर लिया? पर कैसे? इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है, मेरा एक डेली रूटीन होता है और ये रूटीन फिक्स है, चाहे एग्जाम हो या ना हो, माला करने का मेरा टाइम भी फिक्स होता है और इसके साथ साथ पढ़ाई का भी मेरा टाइम फिक्स होता है, तो उस टाइम के अनुसार ही मैं हर रोज़ चलती हूँ। तो एग्ज़ाम के पहले इसलिए ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, एग्ज़ाम के पहले दिन मैं सिर्फ रिवीजन कर लेती हूँ और कंप्लीट हो गया मेरा माला भी और पढ़ाई भी। अच्छा, तभी तूने दोनों काम कंप्लीट कर लिया, अब से मैं भी यही करूँगी। हाँ बिल्कुल करना, क्योंकि हम प्रभु की भक्ति उनकी सेवा करते हैं तो इसलिए हमें हमेशा एक कदम आगे रहना होता है। हरे कृष्ण राधे राधे, मैं कृष्ण प्रिया दासी। तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप में से कई लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि अब बताइए हम भक्ति को स्टडी के साथ, जॉब के साथ, इन सब के साथ कैसे बैलेंस करें, क्योंकि जो पढ़ाई होती है हमारा, जो जॉब होते हैं, उन सब के बीच जो भक्ति है इसको हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो पहली बात यह है कि हम टाइम उस चीज़ के लिए ही निकालते हैं जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे हम कितना ही बिजी क्यों ना हो, उस चीज़ के लिए हम टाइम ज़रूर निकालेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हो। तो पहली बात, इसलिए भक्ति को हमारे लाइफ का एक ऐसा अंग बना लेना है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तब हम उसके लिए टाइम निकाल ही लेंगे। दूसरी बात यह है कि हम हमारे लाइफ में इतना भी ज़्यादा बिजी नहीं है कि हम दो मिनट के लिए भगवान के सामने बैठ ना सके और उनसे बातें ना कर सके। रही बात माला करने की, तो माला करने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में, एक माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट ही लगता है। तो डेली आप एटलीस्ट 4 माला तो करिए, 2 माला आप सुबह कर सकते हो, 2 माला आप शाम को या रात को कर सकते हो, ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पर एक ही जगह पर बैठ के आपको पूरा का पूरा कम्प्लीट करना है, आप पूरे दिन में आप जितना भी माला करते हो उसको डिवाइड कर करके कर सकते हो। बाकी आप जो हरि नाम है वो तो आप हमेशा ही ले सकते हो, आप कुछ भी कर रहे हो मन में हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र श्री राधा नाम हमेशा चलते रहना चाहिए, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो या फिर स्कूल ही जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप मन में ही हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हो, या फिर ईयरफोन्स लगा के फ़ोन पे हरे कृष्ण महामंत्र का जो वीडियो होता है वो ऑन करके वही सुन सुन के जा सकते हो, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो भक्ति को। माना कि हम अपने लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है कि हम गीता भागवत ये सब पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होता है, लेकिन क्या हमारे पास 2 मिनट भी नहीं है? क्योंकि गीता का एक श्लोक पढ़ने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा एंड उसका अनुवाद पढ़ने में मिनिमम से मिनिमम, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट में ही आप एक श्लोक और उसका जो अर्थ है अनुवाद वो आप 5 मिनट में ही पढ़ सकते हो। तो दिन में एक ही पढ़ो वही बहुत है, काफ़ी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक पढ़ो और उसको समझो और उसको अपने लाइफ में उतारो, तो बस यही गीता का जो मूल उद्देश्य है इसी में सार्थक हो जाएगी। ऐसे दिन में हम कई सारे वीडियोस या फिर यहाँ वहाँ के बातें करके टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उससे अच्छा उस टाइम पे हम थोड़ा सा भक्ति ही प्रैक्टिस कर ले। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप वीडियोस वगैरह मत देखो, वीडियोस अगर देखना ही है तो अच्छे वाले वीडियोस देखो, जो बहुत सारे भक्तों की स्टोरीज होती है कि भगवान और भक्त के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है, भक्त अपने प्रभु के लिए क्या क्या करता है, एक सच्चा भक्त और उसकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको YouTube पर भी मिल जाएगी। तो वैसा टाइप का वीडियोस देखिए जो आपके एंटरटेन भी हो जाएगा आपका और टाइम भी कैसे चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और भक्ति भाव भी आपको उससे
भक्ति भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम भक्तों को अगर अनुसरण करेंगे तो हम भी एक दिन सच्चा भक्त बन पाएंगे। दुनिया में मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं तो हमें यहाँ पे तरह तरह के लोग मिलते हैं जो तरह तरह के बातें भी करते हैं। तो जिनके मन में प्रभु बसते हैं, श्री कृष्ण बसते हैं, उनके लिए परनिंदा करना अर्थात दूसरों की निंदा करना, परचर्चा करना, यह सब असहनीय होता है। वो ये सब बिल्कुल नहीं करते। तो आप भी ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए कि कहीं भी अगर किसी की बुराई हो रही है तो आप वहाँ से दूर रहिए, सुनिए भी मत और वो काम खुद भी मत करिए। वो आपके भक्ति लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। उससे अच्छा आप हरि की चिंता करिए। तब ये जो लाइन है ये अपने लाइफ में उतार लीजिए कि हम करें हरि चिंतन, हरि करे हमारी चिंता। हम हरि की चिंतन करेंगे और हरि हमारी चिंता करेंगे। पर ये बोलने में जितना आसान लग रहा है उतना रियल लाइफ में होना भी थोड़ा सा टफ है, क्योंकि हर टाइम श्री कृष्ण को याद रखना, उनकी ही बातें दिमाग में रखना, दिल में रखना, ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हम माया के दुनिया में रहते हैं तो माया हमें जकड़ लेती है। तो ये तभी होगा जब हम भक्ति योगा को प्रैक्टिस करेंगे हमेशा, हर दिन प्रैक्टिस करते करते एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि माया हमें छूने आएगी, फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब हमारे साथ हमको जो प्रभु है हमारे साथ उसका एहसास हमको हो जाएगा। वैसे तो प्रभु हमारे साथ हमेशा ही है, अभी भी है मेरे साथ, लेकिन उनको फील करने की ज़रूरत है, तभी हमको पता लगेगा कि प्रभु हमारे साथ है। आपके साथ भी प्रभु है, आपको बस एहसास करने की ज़रूरत है। बाकी जब भी आप फ्री रहो तब कोशिश करो कि मंदिर जाओ, भक्तों का एसोसिएशन पाओगे तब वहाँ पे, और भक्तों से भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन में एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है भगवान को हमेशा हमेशा अपने मन में रखना और उनको फील करना। तो उसके लिए हमें उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना है। अगर उनके साथ हम एक रिश्ता बना लेंगे तो उनके साथ हम हमेशा ही कनेक्ट रह पाएंगे, तब उनके साथ हम बातें कर पाएंगे और वो भी हमें रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ हमारे श्री कृष्ण का रिश्ता सखा भाव का है, और स्वामी परमेश्वर सब कुछ वही है हमारे, पर सबसे पहले वो हमारे सखा है। तो हमारी स्टोरी अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अभी देख सकते हो। सबसे बढ़िया होगा अगर आप एक बढ़िया सा स्केड्यूल बना लो, रूटीन बना लो आपके लिए, जो आप रोज़ फॉलो करो, तब आपका भक्ति भी हो जाएगा बैलेंस और आपका जो बाकी का काम है वो भी हो जाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो जो बोला है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण राधे राधे, चैंटिंग ज़रूर से करना।